इस बीच भिंड से बड़ी खबर, जहां पर दीवार गिरने के मामले में कार्रवाई हुई है। गोरमी नगर परिषद के सीएमओ पर गाज गिरी है। राम प्रकाश जगनेरिया को कलेक्टर ने हटा दिया है। तो बता दें कि नगर परिषद के सीएमओ को प्रभार सौंप दिया गया है और लापरवाही सामने आने के बाद पूरी कार्रवाई की गई है। तो ये भी बता दें, कल पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की दीवार गिरी थी और एक की मौत और दो लोग इसमें घायल हुए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त भिंड से, आपको एक बार फिर से बता दें, दीवार गिरने का ये पूरा मामला था। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब इस पूरे मामले में गोरमी नगर परिषद के सीएमओ पर गाज गिरी है। राम प्रकाश जगनेरिया को कलेक्टर ने अब हटा दिया है। तो देखिए, नगर परिषद के सीएमओ को यहाँ पर प्रभार सौंप दिया गया। लापरवाही सामने आने के बाद इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये भी बता दें कि कल पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की दीवार गिरी थी, एक की मौत और दो लोग इसमें घायल हुए थे। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल की बात की जाए तो देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच अलग अलग जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर कभी जर्जर मकानों की दीवारें गिर रही हैं, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में रीवा में 4 बच्चों की मौत हुई, सागर में 9 बच्चों की मौत हुई। तो वहीं शिवपुरी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर एक टीचर स्कूल की स्थिति को बयां करते हुए नजर आ रहे थे कि जर्जर स्कूल है और कभी भी हादसा हो सकता है। तो अब देखिए, भिंड से खबर सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है, कुछ ऐसी ही तस्वीर जहाँ पर दीवार गिरी है और अब इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है और कार्रवाई यहां पर की गई है। अगली खबर सागर से है, जहां कानमड़ में कालिया देव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। मान्यता है कि मंदिर 1000 साल पुराने जंगल में बना है। बता दें कि बुंदेलखंड का सागर क्षेत्र नदियां, पहाड़, जंगल और संतों की तपभूमि के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही कुड़ई के जंगलों में कानमड़ नाम का स्थान है, जहाँ कालियानाग देव के रूप में विराजमान है। ये मंदिर करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस जगह पर लोगों की आस्था और विश्वास है। वहीं नागपंचमी पर तो इसका विशेष महत्व भी होता है। इस दिन दूर दूर से लोग मन्नतें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत परमहंस दादा हैं और बड़े बड़े संत लोग रहते, तो भी यहाँ से 120 किलोमीटर नर्मदा जी हैं, इस गुफा से स्नान करके और वे वापस लौटे आते दिव्य शक्ति से। और कालिया बाबा को स्थान है बहुत पुराना, शंकर जी बैठे हैं, मड़ा के अंदर 12 पायों को मड़ा बनो है, एक ही सिल रखी है मड़ा पे पत्थर की, उसमें शंकर जी तपस्या करते, कालिया बाबा जी और बजरंग बली पहरो लगाते। अगली खबर खरगोन से है, जहां जिले में स्थिति दसनावल में देश का एकमात्र तक्षक नाग मंदिर है, जो पौराणिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहां पर्व के विशेष अतिरिक्त साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। खडवा रोड पर स्थित ग्राम बिलाली से कुछ ही दूरी पर ये स्थित ग्राम पंचायत दसनावल में ये प्राचीन मंदिर है। खंडवा रोड पर स्थित ग्राम बिलाली